तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। शाहरुख खान की फिल्म पठान के खिलाफ देश भर में जारी विरोध अभियान के बावजूद बुधवार सुबह सिनेमा घरों के बाहर फिल्म देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ नजर आई। पठान बुधवार को भारत में 5,000 स्क्रीन पर रिलीज की गई। इस फिल्म से इंडस्ट्री के लोग न सिर्फ शाहरुख बल्कि पूरे बॉलीवुड पर छाए काले बादल हटने की उम्मीद कर रहे हैं। दक्षिण दिल्ली के पीवीआर सेलेक्ट सिटी वॉक पर सुबह 6:55 पर सिनेमा घरों में सीटियां और तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। दर्शकों से भरे आईमैक्स थिएटर में हो रहे हल्ले से ऐसा लगा कि सुपरस्टार की वापसी हो गई है। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी पठान में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में है। फिल्म इसके गीत बेशरंग रंग को लेकर काफी विवादों में आ गई थी। बहरहाल पर्दे पर जॉन अब्राहम की एंट्री पर लोगों ने काफी तालियां बजाई, लेकिन उनका उत्साह शाहरुख की एंट्री होते ही चरम पर पहुंच गया। शाहरुख के पहले संवाद जिंदा है ने लोगों का दिल जीत लिया। इसके साथ ही अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है पर भी लोगों ने काफी तालियां बजाई। विवादों में रहे गीत बेशरम रंग के साथ दीपिका बड़े पर्दे पर नजर आई। सेकंड हाफ में सलमान खान की एंट्री ने लोगों का दिल जीत लिया और सिनेमा घरों तालियां और सीटियों से गूंज उठा। अंत में शाहरुख के संवाद पार्टी पठान के घर रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा और पटाखे भी लाएगा ने एक बार फिर लोगों में जोश भरा। फिल्म पठान के पहले शो के दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला। ऐसे में इस जासूसी थ्रिलर फिल्म के लिए 300 एक्स्ट्रा स्क्रीन की व्यवस्था की गई। अब इस फिल्म की कुल स्क्रीन संख्या 8,000 से अधिक हो गई है। इसके साथ ही सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी फिल्म पठान सबसे ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने वाली हिंदी फिल्म बन गई। तरण आदर्श ने ट्वीट किया, फिल्म को भारत में 5,500 स्क्रीन और विदेशों में 2,500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। आदित्य चोपड़ा की महत्वाकांक्षी जासूसी श्रृंखला की यह फिल्म तमिल और तेलुगु में भी रिलीज हुई है।